हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी कंपनी जिनको अगर गिरावट में बाय किया जाए तो ये कंपनीज आपको और भी ज्यादा रिटर्न बड़े टाइम में बनाकर दे सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन 10 कंपनीज में अगर आप कम क्वांटिटी बाय करते हैं हर गिरावट के साथ, तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखती है। तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, एक एक कंपनी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में नाम जानेंगे, क्या प्राइस चल रहा है अभी, कितना डिलीवरी परसेंटेज हुआ है आज के सेशन में, वो भी हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा और गिरावट आती है या फिर करेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा ही गिरता रहेगा। मार्केट वापस से बाउंस बैक भी करेगा और यही जो कंपनियां आपको कम प्राइस में अभी अवेलेबल हो रही है, वही कंपनी आपको वापस से ज्यादा प्राइस में भी मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तब आप लोग क्या करेंगे, आप तेजी को देखते हुए इन स्टॉक में एंट्री कर जाएंगे। अभी आपको जब कम प्राइस में ये कंपनीज अवेलेबल हो रही है तो आपको अभी पोजिशन बनाना चाहिए। चाहे आप हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर अच्छी कंपनीज के एक एक शेयर बाय करते रहिए, हर गिरावट के साथ पैनिक नहीं करना है। इंडिया की इकोनॉमी आगे भी बढ़ने वाली है और बढ़ेगी। इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है और अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, तो बस एक इस न्यूज के कारण ये मार्केट अभी नीचे आ रहा है। और निफ्टी का मैं आपको सपोर्ट भी बता देता हूं, 10,700 का एक क्रूशियल लेवल रहेगा। तो आप लोग बेझिझक वो लेवल तक आए, जब तक आप एक एक क्वांटिटी उठाइए, लेकिन अभी बाय करेंगे तभी आपको बड़ा रिटर्न मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से। पहली कंपनी है हमारी विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का अगर मैं देखूं आज के सेशन का, तो 1014 के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज के सेशन में 1.70 रुपए की गिरावट आई है। ओपन हुआ था 990 रुपए पर और उसके बाद हाई भी लगाया अच्छा खासा 1028 का, फिर लो भी लगाया इसने, देखिए 970 का, और अभी क्लोज हुआ है 1014 पर। फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 फेस वैल्यू की कंपनी है और इसके सेक्टर की बात करूं तो ये केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। फिर अगर आज के सेशन में देखिए, ये 6 मार्च का डाटा अवेलेबल है। आज के दिन की अगर इसका डिलीवरी पोजिशन हम देखेंगे तो आप देखिए क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी हुई है, 60,288 और डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रोस एक्रोस क्लाइंट लेवल 27,723 क्वांटिटी डिलीवरी में बाई की गई है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में एक तरफ तो इतनी गिरावट चल रही है और अभी आप यहां पर देखेंगे कि स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय किया गया है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया गया है और ये स्टॉक अभी इस लेवल पर है जहां से अच्छा बाउंस बैक आपको दे सकता है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है और लॉन्ग टर्म में तो आपको बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 45.98% का डिलीवरी परसेंटेज है, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज से क्लियर हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न हमें देगा। तो आप लोग भी ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और विनती ऑर्गेनिक्स ने पास्ट में भी अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है और आगे भी बड़ा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के सेशन की बात करूं, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो आप देखिए ये प्राइस पर चल रहा है 2220 के प्राइस पर, 10.15 रुपीज आज उछाल आया है। प्रीवियस क्लोज देखिए 2209 का था, आज ओपन हुआ आप देखिए 2150 पर, हाई लगाया 2260 का और क्लोज हुआ है 2220 पर। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो फेस वैल्यू 5 की कंपनी और डिलीवरी परसेंटेज देखिए इस स्टॉक की, तो आप देखेंगे 15,314 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उनमें से जो डिलीवरी हुई है क्वांटिटी वो देखिए 7,863, 51.35%। अब आपको फाइन ऑर्गेनिक्स में ट्रेड किस तरीके से करना है, एक एक शेयर ही बाय करना है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो, और तेजी में भी बढ़ता है, तो भी एक ही एक एक करके ही शेयर बाय करना है फाइन ऑर्गेनिक्स का। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक है। 52 वीक हाई अगर देखें तो देखिए 11 फरवरी को लगाया था 2550 का, तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी 2220 पर ही चल रहा है, तो इसको SIP में ही बाय करें। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हमारा
नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है, जिस स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट हुई है और अभी आपको अच्छी प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है, उस स्टॉक का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। तो देखिए 349 का क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोज 357 का था, आज के सेशन में 7 रुपये नीचे गिरा है। फेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 2 की फेस वैल्यू की कंपनी है। 52 वीक हाई अगर बात करें तो 425 रुपये का हाई लगाया, आप देखिए 27 जनवरी को, और अभी देखिए आप 349 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 52 वीक हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया है। और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं आज के सेशन में तो 1,70,194 क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए 91,133 और डिलीवरी परसेंटेज है 53.55। अब मैं आपको ये डिलीवरी परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये कौन से लोग बाय कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का अच्छे तरीके से नॉलेज है, उनको पता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा डाउन नहीं रहने वाला, और उसके बीच में अगर मिंडा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी हमें 349 रुपए पर मिल रही है तो वो कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले एक साल में भी, और इसीलिए धीरे धीरे वो क्वांटिटी उठा रहेंगे। अब मिंडा इंडस्ट्रीज को ट्रेड करना है, 5 क्वांटिटी आप हर गिरावट के साथ बाय कीजिए, आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और बिजनेस भी अच्छा है, ऑटो सेक्टर का वापस से बूम आएगा, मिंडा इंडस्ट्रीज आपको बहुत तेजी से दौड़ते हुए नजर आने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अगेन बहुत अच्छा स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बाटा इंडिया लिमिटेड का। बाटा इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूं आपसे तो 1,549 का प्राइस चल रहा है, अभी 63 रुपये आज भी नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट 4% की गिरावट हुई है। फेस वैल्यू 5 की कंपनी है और आप देखिए 40% का डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये कंपनी भी अच्छी है। अब आप इसमें एक एक या दो दो शेयर बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि बाटा इंडिया में अभी भी आप एक एक शेयर करके हर गिरावट के साथ एक एक शेयर बाय करते रहिए, तो बाटा इंडिया भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा स्टॉक, अगेन 549 के प्राइस पर चल रहा है, 15 रुपये आज भी गिरावट हुई है, 2.80% आज गिरावट हुई है, फेस वैल्यू 10 की कंपनी, और आज देखिए बाइंग जबरदस्त हुई है और डिलीवरी में बाय हुआ है ये 64.29%। तो अच्छी कंपनी है, HDFC ग्रुप की कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, आप कभी भी याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न बनाकर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट कंपनी है हमारी HDFC AMC, अगेन अब बाइंग के लिए परफेक्ट स्टॉक बन चुका है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। 5 का फेस वैल्यू है, 2,983 का भी प्राइस है और आज के सेशन में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है और 2,900 रुपये के आसपास में ये स्टॉक मिल रहा है, तो 2,900 के आसपास में मिले तो बहुत अच्छा, और अभी से भी आप एक एक शेयर बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं इस कंपनी का। डिलीवरी परसेंटेज में आपको बता देता हूं तो 48% डिलीवरी हुई है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी डिलीवरी में बाई की गई है, और HDFC से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है उन स्टॉक उन म्यूचुअल फंड्स को ये रेगुलेट करती है, और HDFC के पास सबसे ज्यादा अमाउंट आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अच्छी कंपनी है, आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाकर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी हमारी जो है वो देखिए, वो कंपनी है अगेन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, और अब यहां से ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है। उस स्टॉक का नाम है मैरिको लिमिटेड। तो मैरिको लिमिटेड 281 के प्राइस पर चल रहा है, आज भी बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है 4% की, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, और आप देखें अब जहां पर ये प्राइस चल रहा है वहां से खरीदारी बनती है इस स्टॉक में, 60.40% की डिलीवरी हुई है, तो आप देख सकते हैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, बड़े परसेंटेज में क्वांटिटी को डिलीवरी में बाय किया गया है, तो मैरिको लिमिटेड यहां से आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। और इसका 52 वीक लो भी देखेंगे आप 280 रुपए का है, जो कि आज ही लगा है 6 मार्च के दिन, तो
तो 52वीं क्लो के आसपास आ चुका है, तो ऐसी अच्छी कंपनी में आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप इसका सेक्टोरियल इंडेक्स देखेंगे 34 का, इसका 31 का आ चुका है, तो स्टॉक परफेक्ट बाइंग जोन में आ चुका है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी होगी, पेशेंस जिसका अच्छा होगा इस गिरावट में, उसी का बड़ा रिटर्न बन सकता है। फिर अगर नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट कंपनी जो है हमारी वो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, अगेन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बहुत अच्छी कंपनी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1154 का भी प्राइस चल रहा है, और आज के सेशन में इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 52वीं लो जो है इसका 1130 का है, जो कि आज लगा है और क्लोजिंग दिया है 1154 का, तो ये भी अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है, जहां से आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है और डिलीवरी परसेंटेज देखिए आप 61.29%। अगेन ये कंपनी भी आपको आने वाले एक साल में ही अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। फिर अगर बात करें हम हमारी नेक्स्ट कंपनी की, जो कि बहुत तेजी से बढ़ी, छह महीने में ही शानदार रिटर्न बनाकर दे दिया, लेकिन अब लगातार गिर रही है, उस कंपनी का नाम है IRCTC। उस समय जब ये स्टॉक बढ़ रहा था, उस समय बहुत जने बाय कर रहे थे, और अब इस स्टॉक का परफेक्ट बाइंग जोन आया है। 1100 से 1300 का जो लेवल है, वो IRCTC में आप अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं। अब यहां से आप दो दो शेयर बाय करना स्टार्ट करेंगे IRCTC का, तो आप देखिएगा एक साल में ही आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और आप देखिए उसका डिलीवरी परसेंटेज कितनी बाय हुई है, 94.52%, यानी कि IRCTC में अच्छा मूवमेंट आ सकता है शॉर्ट टर्म में ही। बिल्कुल रेडी है IRCTC अब बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, तो अब आप लोग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं IRCTC में। फिर अगर मैं हमारे लास्ट स्टॉक की बात करता हूं, तो लास्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगेन बहुत ही अच्छा स्टॉक, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा ही जबरदस्त मार्केट कैप है। मुकेश अंबानी जी इसके ऑनर हैं, और देखिए सैम्बोल का पी जो है 22.54 है और सेक्टोरियल इंडेक्स है 28। तो ये स्टॉक भी अच्छे प्राइस पर अभी आपको अवेलेबल हो रहा है, 1269 पर है, और इसका सपोर्ट भी अभी आने वाला है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब परफेक्ट बन चुका है बाइंग करने के लिए। और अगर इसका डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, तो आप देखिए 62.47% का। तो ये मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए, जिनको अगर आप हर गिरावट के साथ बाय करते हैं SIP मोड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करते हैं, एक एक स्टॉक भी अगर हर गिरावट के साथ बाय करते हैं, तो आप देखिएगा एक साल में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।